नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास जिला जालौन से, जहां पर जिला कारागार में एक कैदी की, सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खबर जालौन से, जहां पर एक सजायाफ्ता कैदी की मौत हो गई है संदिग्ध अवस्था में, और परिजन इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि जाँच पहले हो, इसके बाद शव को उठने दिया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश स्वर्णकार मौके पर मौजूद हैं। देवेश जी, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद जालौन के वही जिला कारागार के सामने आया है, जहां पर कैदी है जो पिछले जुलाई माह में जेल में निरुद्ध हुआ था 302 के मामले में, उसकी आज जो है मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो परिजनों का कहना यह है कि उसके बेटे की मारपीट कर हत्या की है जेल प्रशासन ने। जी, तो जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरें हमारे पास जो आई हैं, आरोप के साथ साथ वो साक्ष्य भी दिखा रहे हैं कि इस तरह से, क्या शरीर पर कोई, जो मृतक है उसके शरीर पर कोई निशान है? जी प्रशासन, उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान साफ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं उसके साथ क्या जुल्म हुआ है, कैसे उसकी मौत हुई है। तो क्या प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों प्रदर्शन चल रहा है लोगों का? ये उनके प्रदर्शन कह रहे हैं कि जब तक जिले के आला अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सामने नहीं आएंगे और खुद आश्वासन नहीं देते हैं कि जेल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी, तब तक वो शव को न तो पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे न घर ले जाएंगे। तो क्या अभी मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा है? अभी मौके पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, उनका इंतजार हो रहा है। स्थानीय पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर हैं, लोगों को, उनके परिजनों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि क्या वाकई में ये मामला संदिग्ध है, या कोई वजह है, या युवक ने कोई आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, कुछ ऐसा भी है? देखिए प्रधान जी, ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन उसके शरीर पर जिस प्रकार के चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत संगीन है और कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन और जेल प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और आगे भी इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ बीके।